सो हे गाइस एंड हियर आई एम बैक विद अनदर नो वे होम वीडियो। और जैसा कि मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही कहा था कि मैं इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगा कि नो वे होम के ट्रेलर के एंडिंग में जो कि मोस्ट प्रोबेबली नो वे होम की मूवी का एंड भी हो सकता है क्योंकि ये चीजें कंटिन्यू होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा स्काई फट रहा है, वहाँ पे पर्पल लाइट और रेज निकल रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज काफी स्ट्रेस में होते हैं और वो कहते हैं कि अब वो लोग आ रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार कौन आ रहा है, क्या वो एक बड़ा विलन है या फिर हीरो है या फिर पर्पल लाइट को लेकर काफी सारे लोग प्रेडिक्शन दे रहे थे, जैसे कि एक गैलेक्टस है, कैंग द कॉन्करर है, स्ट्रेंज सुप्रीम है, डोरमामू है, पता नहीं कैसे कैसे प्रेडिक्शन आए हैं। तो आज के वीडियो में मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कौन आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि चीजें कैसे हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पर्पल लाइट आ क्यों रही है। तो इसी सेम पर्पल लाइट को और बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न को हमने तब देखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्पेल को कास्ट किया था जो कि लोगों के मन से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी मिटा देता और बीच में जो येलो कलर का एनर्जी बॉल था वो एक्सपांड हुआ था और तभी हमें वो पर्पल लाइट देखने को मिली थी। पर फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे कंटेन किया और एक छोटे से बॉल में कन्वर्ट कर दिया। और बिल्कुल एंड वाले सीन में जहाँ पे हमें पर्पल लाइट्स दिखाई गई, उससे पहले हमें एक और सीन दिखाया गया जहाँ पे हम वापस इसी चीज को देख सकते हैं कि वो जो येलो कलर का एनर्जी बॉल था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से बना हुआ था वो वापस पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाता है। और शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इसी चीज की बात कर रहे हैं कि अब वो ऐसे एक्सपांड हो चुका है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे कंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो आ रहा है उसे रोक नहीं पाएंगे। और इसी सेम पर्पल लाइट को हमने लोकी की सीरीज में ही हू रिमेंस के पैलेस के आसपास देखा था, यानी कि ये भी श्योर हो जाता है कि ये पर्पल लाइट मल्टीवर्स के फैब्रिक को रिप्रेजेंट करती है और जो भी इवेंट होने वाली है उसमें मल्टीवर्स रिलेटेड होगा, प्लस ये चीज आगे जाके कनेक्ट होगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो ये चीज ऑब्वियस है। अब इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिवाइस था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पाइडरमैन छीनने की कोशिश करता है और जो कि एंड वाली बैटल तक स्पाइडरमैन के हाथ में होता है, उसका भी इस एनर्जी बॉल और पर्पल लाइट से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो मेरी थियरी ये है कि उस एनर्जी बॉल को कंटेन करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे उस डिवाइस में रखा था और वो उन विलन्स को उसके थ्रू वापस उनके यूनिवर्स में भेजना चाहते थे जो कि उस एक्सपांशन के दौरान इस यूनिवर्स में आ चुके थे, पर उनकी डेस्टिनी उनके यूनिवर्स में मरने की थी तो स्पाइडरमैन उसे रोकना चाहता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा नहीं करने देगा और एंड की बैटल के दौरान वो जो डिवाइस था वो टूट जाएगा और उसी की वजह से ये सारी इवेंट्स होगी कि वो एनर्जी बॉल बिल्कुल फट जाएगा और स्काई फटने लगेगा और जो भी आपने ट्रेलर के एंडिंग में देखा वो उसी का रिजल्ट होगा। अब देखो मैं एक एक करके पॉसिबिलिटी को कंडेम करना शुरू करता हूँ और इनमें मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है क्या होने वाला है। तो पहले तो लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कैंग द कॉन्करर आ रहा है और एक नहीं बल्कि कैंग की पूरी आर्मी आएगी और मल्टीवर्स वॉर जैसी इवेंट होगी जैसे लोकी में बताया गया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि कैंग को फिक्स कर दिया गया है एंटमैन एंड द वास्प की थर्ड मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के लिए, तो वो विलेन तो वहां पे अपेयर होने वाला है, ये फिक्स हो चुका है। तो फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में या फिर नो वे होम में आएगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि डोरमामू आएगा क्योंकि वो भी एक डायमेंशनल बीइंग है। तो देखो डोरमामू एक डायमेंशनल बीइंग है जो कि एक ही यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये मल्टीवर्स की बात है, प्लस डोरमामू जब आया था डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में तब उसके आसपास बैकग्राउंड का जो पैटर्न था जहां पे उसने प्लैनेट्स वगैरह को कैप्चर किया था वैसा यहां पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये पैटर्न पूरी अलग है। प्लस डोरमामू को मार्वल इतनी जल्दी मल्टीपल टाइम यूज नहीं करने वाला तो डोरमामू भी नहीं आएगा। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि स्ट्रेंज सुप्रीम आने वाला है क्योंकि उसका कलर भी पर्पल है, तो यहाँ पे पहली बात कि स्ट्रेंज सुप्रीम एविल नहीं है तो वो कुछ डैमेज नहीं करेगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज इतने स्ट्रेस में नहीं लगते। और दूसरी बड़ी बात ये है कि स्ट्रेंज सुप्रीम अभी एस्टैब्लिश हो रहा है, वो एक एनिमेटेड सीरीज का कैरेक्टर है जिसे मार्वल सीधा इस तरीके से मूवीज में नहीं ले आएगा, वो भी इतने मेजर इवेंट या फिर स्केल के दौरान, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद कुछ लोग गैलेक्टस बोल रहे थे, तो देखो गैलेक्टस की पॉसिबिलिटी भी नल है क्योंकि मल्टीवर्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं और उसके साथ साथ गैलेक्टस मार्वल की कॉस्मिक साइड में ज्यादा फिट बैठता है जैसे कि सेलेस्टियल्स वगैरह के साथ, तो उसका उसी किसी इवेंट या फिर उसी किसी मूवीज के दौरान यूज किया जाएगा जो कि उस थीम पे बेस्ड होगी, पर यहाँ पे इतनी जल्दी और गैलेक्टस की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बिल्कुल नल है। और अब आप बोलेंगे कि मैं तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज को डिनाई कर चुका हूँ, आखिरकार आएगा कौन? तो देखो मेरे हिसाब से तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो जो लोग कह रहे हैं उसे भी 1% के लिए गिना जा सकता है कि काफी सारे कैंग आएंगे और मल्टीवर्स वॉर होगा, और उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे शुमा गोराथ आएगा।
शुमागोरा जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का विलन हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, एक ऐसी ऑक्टोपस जैसी एंटिटी जो कि मल्टीवर्स में रहती है और पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को कंज्यूम कर सकती है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। पर यहाँ पे दिक्कत यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा बोलते हैं कि दे आर कमिंग जो कि प्लूरल है और शुमागोरा तो एक ही एंटिटी हुई। अब आता है सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी पे जो कि मुझे लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे किसी विलन की या फिर किसी कैरेक्टर की या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात हो रही है दूसरे यूनिवर्सेस की। और जिस तरीके से इन्फिनिटी सागा के स्टार्टिंग से ही हमें इन्फिनिटी स्टोन्स की बात की गई और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के साथ वो सागा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल मल्टीवर्स सागा में ऐसा ही होगा कि पहले से मल्टीवर्स की बात की जा रही है और इसका एंडिंग होगा सीक्रेट वॉर जैसे किसी बड़ी इवेंट से जो कि कॉमिक्स में हुई थी, जहां पे अलग अलग अर्थ टकराई थी और डॉक्टर डूम ने सारे यूनिवर्सेस को मिला के एक बैटल वर्ल्ड बनाया था। ऐसी कोई बहुत बड़ी क्रेजी इवेंट यहां पे भी होगी और उसी का काम यहां पे किया जा रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहां पे ऐसा कहना चाहता है कि जो गड़बड़ हुई है जो कि सेल्वी ने क्रिएट की थी, डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल था, उसकी वजह से अब अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ क्रैश हो रहे हैं, बाकी रियलिटीज और बाकी यूनिवर्स अर्थ के आके टकरा रही है, जिसकी वजह से काफी सारे कैरेक्टर्स भी इस यूनिवर्स में आ जाएंगे, जैसे कि नो वे होम में स्पाइडरमैन के विलन्स आए हैं और उसी की वजह से काफी सारी क्रेजी इवेंट होगी, जैसे कि वांडा को भी वांडा विजन में बिली और टॉमी की आवाज लास्ट में सुनाई दी थी, वो भी किसी और यूनिवर्स के बिली टॉमी थे जो कि इस क्रैश की वजह से ही वो सुन पाई। ऐसी कहीं सारी क्रेजी इवेंट होगी, तो यहाँ पे यूनिवर्सेस की बात की जा रही है, यानी कि आखिरकार मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से कोलैप्स होने लगे हैं किसी इम्बैलेंस की वजह से। और इन इवेंट्स को देख के ऐसा लगता भी है कि स्काई में बहुत बड़े स्केल पे ग्लिचेस क्रिएट हुई है। अब इसके बारे में क्या होगा वो तो हमें नो वे होम में भी नहीं बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में या फिर नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा, और नो वे होम के बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तुरंत आ रही है जिसमें हमें वांडा भी दिखेगी, तो मेरी थियरी काफी फिट बैठती लग रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करना, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, कौन आ रहा है, क्या मेरी बात सही है या नहीं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।